हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई जियो का रिचार्ज किए हैं और वो गलत हो गया है, अगर आप उसका बैक मतलब पैसा वापस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देखते रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं आपको जियो पॉज प्लस में लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको जियो पॉज प्लस में लॉग इन कर लेना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करके लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है, जैसे रिचार्ज करते हैं जियो टॉप अप रिचार्ज में जाना है, और कोई रिचार्ज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रिचार्ज करेंगे और कैसे जो आपका जो पैसा वापस लाएंगे। तो चलिए, मैं आपको फर्स्ट मतलब पूरा स्टेप स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपको जो है रिचार्ज के ऑप्शन पर जाना है और अपना जिस जो भी नंबर है आपका रिचार्ज करना चाहते हैं जिस नंबर पे, वो यहाँ पर आप डायल कर लीजिए। चलिए, मैं आपको यहाँ पर नंबर डाल के बता रहा हूँ। आपको जो प्लान सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा प्लान आप रिचार्ज करना चाहते हैं। चलिए, मैं 399 वाला प्लान जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 399 का प्लान दिखा रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 399 वाला प्लान। तीन सौ निन्यानवे, देखिए यहाँ पर 399 वाला प्लान है, तो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं 399 वाला प्लान। देखिए यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 275 रुपया ही हैं। मैं इस प्लान को डिलीट कर रहा हूँ और मैं अब 149 वाला प्लान को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो है वॉलेट में काफ़ी कम बैलेंस है, इसलिए मैं 149 वाला ही रिचार्ज करूँगा, तब तो रिचार्ज सक्सेस होगा। चलिए, मैं यहाँ पर 149 वाला प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जाना है प्रोसीड टू पे। यहाँ पर देख लीजिए 275 रुपीज़ है, यहाँ पर आप देख लिए हैं। चलिए, मैं आपको जो है रिचार्ज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 149 जो है मेरा बैलेंस अकाउंट से कट गया है। यहाँ पर आपको मैसेज भी दिख रहा होगा कि आपका जो है रिचार्ज सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर देखिए, आप आपको क्या करना है कि स्क्रीन शॉट ले लेना है, इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है। यहाँ पर ORN नंबर जो है आपको लिख लेना है कागज़ में, या फिर आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ये आपको काम देगा। तो चलिए, अब आपको जो है आपको अब मैं अपने बता रहा हूँ कि क्या चीज़ करना होगा। आप फिर से अपने अकाउंट में लॉग इन कर लीजिए और आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वो ऑप्शन क्या है मैं बता रहा हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर आपको जाना है जियो अदर सेल्स। आपको फर्स्ट ऑप्शन में ये दिख रहा होगा जियो अदर सेल्स, उस पर क्लिक कर देना है। और देखिए, यहाँ पर जो था रिचार्ज सक्सेस का मैसेज आया है। और अब आपको जाना है रिचार्ज रिवर्सल, इसी पर आपको जो है जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से है, तो अब इस पर क्लिक करके मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो है ऑप्शन कुछ आ रहा है, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो चलिए, क्या आ रहा है मैं आपको बता दूँ। इसमें देख रहा है, इसमें ORN नंबर, जो ORN मैं जिसको स्क्रीन शॉट किया था उसको यहाँ पर लिख देना है ORN नंबर को। चलिए, मैं आपको जो है ORN नंबर लिख रहा हूँ, ORN नंबर, चलिए जो स्क्रीन शॉट किया था। अब वहाँ पर चलते हैं, देखिए ORN नंबर BR जो दिख रहा है उसी वही है मेरा ORN नंबर, वही उसी ORN नंबर पे चलते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं ORN नंबर वाला। ORN नंबर लिखने के बाद चलिए, मैं आपको पूरा जितना भी है ORN नंबर आपको एकदम बढ़िया से लिख देना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और ये आपको जो तुरंत में बैलेंस मिल जाएगा, रिवर्सल वाला बैलेंस। अब आपको जो करना क्या है, ORN नंबर मैंने लिख दिया है, तो अब आपको जो है वो जानना है कस्टमर मोबाइल नंबर, और जिस नंबर मतलब कि कस्टमर मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको जो है अपना मोबाइल नंबर देना है। कस्टमर वाला जो है यहाँ पर अपना जिससे रिचार्ज किए थे
मतलब जो नंबर पर रिचार्ज किए थे उसी नंबर को लिखना है जिस पर रिचार्ज किए थे, जिस पर रॉन्ग रिचार्ज हुआ था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप किस रीजन के कारण आपको जो है ये रिवर्सल मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए गलत था या फिर अमाउंट गलत था, आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए किसके कारण आप ये पैसे को मंगा रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं, अपने बैलेंस को रिचार्ज हो गया है तो अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं। तो इनकोरेक्ट मतलब गलत हो गया था, इनकोरेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर करना है सेंड ओटीपी पर, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो है सेंड ओटीपी हो गया है, जो आपका जो है जिससे जियो पॉक्स प्लस बना हुआ है जो मोबाइल नंबर से, उसी नंबर पे एक आएगा मैसेज, देखिए यहाँ पर आ गया है मैसेज। इसमें आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी को लिख देना है, उस इंटर ओटीपी में जहाँ लिखा है वहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओटीपी वाला जो, चलिए मैं आपको ओटीपी वाला जो भर देता हूँ ओटीपी क्या चीज़ आया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा 126 हो गया, बैलेंस भी कट गया था, यहाँ पर मैसेज में भी शो हो गया है। आप देखिए आपको जाना है ओटीपी में, देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है, इसी ओटीपी को लिख देना है हमारे जियो पॉस प्लस में। चलिए जियो पॉस प्लस में चलते हैं और आप लिख देते हैं ओटीपी। इसके बाद फिर जो ओटीपी लिख देने के बाद आपको जो है सबमिट के ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मैसेज शो होगा, देखिए ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट फॉर द ऑर्डर, जो ऑर्डर नंबर था, योर रिवर्सल आईडी, ये भी आईडी दे दिया कि आपका जो है आ गया है बैलेंस। यहाँ पर आपको जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा जो बैलेंस था वो आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि आ गया है मेरा बैलेंस। अब बैक चलते हैं और उसके बाद फिर जो है आप अपना, मैं अपना बैलेंस आपको दिखा रहा हूँ कि आया है बैलेंस या नहीं आया है। तो चलिए आपको जाना है सिर्फ, जैसे आप जाते हैं रिचार्ज करने के लिए वैसे जाइए, आप वहाँ से देख लीजिएगा मेरा बैलेंस। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा बैलेंस 275 आ चुका है, यानी कि मेरा जो है रिवर्सल कंप्लीट हो गया है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस तरह का वीडियो जानना चाहते हैं तो